दोस्तों फिर हम बात करेंगे हाई फाई फिनांस के हाई फाई कॉइन के प्राइस मोमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.686 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउनटे एक अच्छे डिप के अंदर अभी भी इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर इस कॉइन ने अभी कल 0.64 वाला लेवल ट्राई किया और वहाँ से थोड़ा सा 8-10% का मूवमेंट भी देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अभी भी हमारी बाइंग रेंज के अराउंड ये कॉइन मूव कर रहा है और जिन्होंने प्रीवियसली एंट्री मिस की है, एक अच्छा प्रॉफिट मिस किया है और इस कॉइन में एक अच्छे लेवल पर एंट्री देख रहे हैं, उनके लिए बात करें कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज़ पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.687 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, कल जो डंप हमें देखने को मिला वहाँ से 4-5% ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा, अभी 7-2 वाला लेवल ट्राई किया था इस कॉइन ने, यानी कि 10-12% का मूवमेंट उस लेवल से देखने को मिला। हाई फाई कॉइन में अभी रिसेंटली हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, जहां पर 16 सितंबर को इस कॉइन ने एक नया हाई बनाया था 2.63 USDT का, अपने लोवेस्ट एरिया से जिस लेवल पर 3 महीने पहले ये कॉइन ट्रेड कर रहा था, यहां पर जहां से इस कॉइन ने मूवमेंट स्टार्ट किया 0.24 वाला लेवल, वहां से इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 10-12x का मूव लिया और 1000% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हमने इस कॉइन में जनरेट किया। 2.6 वाला लेवल ट्राई किया, उसके बाद से एक बड़ा डंप देखने को मिला, जहां से अभी तक इसकी प्राइस में 80% से ज़्यादा का डंप देखने को मिल चुका है, 75 से लेके 80% तक का डंप इस कॉइन में देखने को मिल चुका है और अभी भी नए लो ये कॉइन बना रहा है। जैसे कि इस कॉइन ने 7880 के अराउंड में स्टेबिलिटी मेंटेन की, वहाँ से बीच में हमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला जहाँ पर प्राइस 8.2 के अराउंड चली गई थी, फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला 6870 पर मूव कर रहा था, वहाँ पर स्टेबिलिटी थी और अभी कल इस कॉइन ने फाइनली 0.64 वाला लो बनाया। तो ओवरऑल हम कहें तो 18 वाला जो मैंने वीडियो शेयर किया था, फर्स्टली तो हमने आपको प्रॉपर लेवल पर एग्जिट करवाया, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं या फिर जो जिन्होंने नए थे उन्होंने वीडियो देखा तो वो प्रॉपर लेवल पर एग्जिट हुए होंगे। हमने जो लेवल आपको 15 को और 16 सितंबर को जब ब्रेकआउट हो रहा था तब शेयर किए थे, अपडेटेड लेवल शेयर किए थे कि मैक्सिमम किस प्राइस तक प्राइस ये कॉइन ट्राई कर सकता है, 2 USDT से ऊपर वाले लेवल पर हमने आपको एग्जिट होने का बताया था और इस कॉइन ने 2 USDT से ऊपर वाले लेवल्स को ट्राई किया तो आप एग्जिट हुए होंगे, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। बाद में जब पहली चीज़ देखिए, हम जब भी आपको अच्छे लेवल पर किसी कॉइन की एंट्री बताते हैं वहाँ पर आप एंट्री नहीं लेते हैं, जब भी हमने एक अच्छे खासे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में एंट्री बताई, हमने रिसेंटली AGLD कॉइन में एंट्री बताई थी, उसने अच्छा प्रॉफिट दिया और भी अदर कॉइन्स हम आपको रेगुलर बेसिस पर, ऑक्शन कॉइन में अच्छा मूवमेंट हुआ, तो हम आपको अच्छे कॉइन्स में जब जब एंट्री शेयर करते हैं तब आप उस कॉइन में एंट्री नहीं लेते। आपको चाहिए जिस कॉइन में ब्रेकआउट हो गया है, जो कॉइन 100% 200% 500% मूव कर गया उसमें आप ऊपर वाले लेवल पर एंट्री लेते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है और यही चीज़ हमने वहाँ पर भी आपको बताई थी जब ये मूव किया था उस टाइम पर भी बताई थी कि प्रॉपर लेवल पर एग्जिट हो जाना है और अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो गया है और इतने ब्रेकआउट के चांसेस नहीं थे, 1.5 से लेकर 1.7 तक के थे और जहाँ इसने ट्राई किया था उसके बाद से करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी फ्यूचर्स के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई और उसी वजह से एडिशनल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तो तब भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया कि इसकी फ्यूचर्स के अंदर लिस्टिंग हो गई है, जो ब्रेकआउट होना था वो हो चुका है, अब ये फाइनली ड्रॉप होगा और ड्रॉप लेवल मैंने आपको बता दिया था जब 2 USDT पर था उसी टाइम की, ये कॉइन आपको 0.90 से नीचे आएगा उसके बाद हमें बाइंग का डिसाइड करना है, तब भी ऐसा नहीं कि बाई करना है। फिर हमने 17 को आपको वीडियो शेयर किया जब ये कॉइन 1.1 पर था, तब भी हमने आपको बोला कि देखिए जैसा मैंने आपको बताया था उस टाइप से मूव कर रहा है और भी थोड़ा सा वेट करिए, और फाइनली हमने 18 को आपको
एंट्री लेवल बता दिए थे कि किन किन लेवल्स पर किस टाइप से आपको एंट्री लेनी है। तो वो लेवल थे 0.76 जहां पर आपको 50% पार्ट से एंट्री लेनी थी, 0.70 जहां पर आपको 30% पार्ट से एंट्री लेनी थी, और एक वर्स सिचुएशन हमने बताई थी कि अगर ये क्वाइन 7576 वाले वीकली लेवल से नीचे जाता है, वीकली क्लोजिंग 7576 के अराउंड करता है या उससे नीचे जाता है, तो फाइनली ये कॉइन 0.65 तक जा सकता है। और थर्ड हमने बताया था 20% पार्ट से 0.65। 18 ऑफ सितंबर का वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद के वीडियो पे आप देख सकते हैं, हमने बताया कि इसमें जो वर्स्ट सिचुएशन है वो 6465 तक की है, और वहाँ तक आपको वेट करेंगे अगर आप अच्छा खासा 4-6 दिन 10 दिन तो मिल जाएगा ये कॉइन। और 0.649 वाला लो बनाया तो वो वीडियो जिन्होंने देखा होगा, एंट्री ली होगी सेकेंड, उसके बाद के भी जो वीडियो हमने अपने अपडेटेड लेवल्स वगैरह शेयर किए उसमें बताया बार बार कि ये क्वाइन आपको 6.5 तक मिल जाएगा। तो 2-3 पार्ट में आपको एंट्री लेनी है, जैसे 21st वाले वीडियो में 0.73, 0.68 और 0.64 तीन लेवल पर एंट्री बताई थी। 27 को अभी रिसेंट 3 दिन पहले हमने जो वीडियो शेयर किया था उसमें आपको 0.688 और 0.65 दो लेवल की एंट्री बताई थी, आई होप आपने बाय किया होगा। टारगेट है वहाँ पर 0.80 0.85। अभी क्या सिचुएशन है देखिए, अभी भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट के चांसेस अभी आने वाले 3-4 दिन या इस वीक में नहीं है, और इस वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग तो इसको इन्हें 0.75 से ऊपर की थी, अभी ये 0.75 से नीचे आ गया है। अभी 2 दिन है, 0.75 से ऊपर अगर चला जाता है ये कॉइन तो ये कॉइन मूव कर जाएगा, और अगर नहीं जाता है तो फिर वापस हमें प्राइस जो है वो 6.0 तक भी या उससे भी नीचे वाले लेवल तक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 7.5 वाले लेवल के बाद इस कॉइन को 0.55 वाला वीकली के अंदर सपोर्ट एरिया है तो वहाँ तक भी ट्राई कर सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कॉइन अगर 7.3 7.4 पर भी वीकली क्लोजिंग कर लेता तो भी इसकी प्राइस हमें इस लेवल से नीचे देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी 1-2 दिन और कंफर्मेशन का वेट करना है अगर आप एक सेफ एंट्री चाहते हैं तो। बाकी ओवरऑल 90% चांसेस है कि ये कॉइन अब इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा अगर ये कॉइन आज की डेली क्लोजिंग यहाँ पर, और कल देखिए अभी हमने 2 डंप देख लिया, अभी ओवरऑल ये मूव कर रहा है तो यहाँ से 7.4 7.5 पर भी हमारी संडे की जो क्लोजिंग है वो हो जाती है तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अभी आपको किस टाइप से एंट्री लेनी है, वही 0.685 पर आपकी फर्स्ट एंट्री रहेगी जो रहेगी 70% पार्ट से, और 0.645 पर बाकी 30% पार्ट से आपको बाय लिमिट लगा देनी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप सेफ एंट्री चाहते हैं एक अच्छी खासी सेफ जहाँ से कोई कंडीशन नहीं रहे नीचे जाने की, तो आपको कल की जो वीकली क्लोजिंग होगी यानी 2 दिन का और वेट कर लेना है। अगर 2 दिन का वेट कर लेते हैं तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, नहीं कर सकते तो ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री रहेगी आपकी। वैसे भी मैंने आपको पहले भी गाइड किया है, टारगेट की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए 0.80 और 0.85 यहाँ पर आपके लिए 2 टारगेट रहेंगे 60-40 के रेशो में, और 0.93 वाला लेवल आपके लिए शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा। इन लेवल पर आपको प्रॉपर लेवल पर एग्जिट होना है, सेल लिमिट लगा देनी। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जो इस टाइप की गलतियां करते हैं जो मैंने आपको बताई, ऊपर वाले लेवल पर बाय कर लेते हैं, जल्दीबाजी में एंट्री लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए स्टार्ट किया हमने, और बाकी सभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, सिग्नल शेयर की जाएंगे, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।